ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਸੰਤੋਖ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਸਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। सुबह सुबह मेरी बहन जो है स्कूल जा रही थी, फिर जाते में एक लड़का कोई काफ़ी दिनों से उसका पीछा कर रहा था, पीछा करते में आज जो है उन्हें तेजाब की बोतल डाल दी उसके मुंह पे, मतलब आए नहीं उसके पास ही से ही पास में गिरी उसके, और बाकी वो बच गई, बच के एक दुकान में घुस गई, फिर दुकान वाले जो है यहाँ पे दिया है बहन को, वो जो है भाग गया उसको। कितनी उम्र है आपकी बहन? बहन की 16 साल पढ़ती है। हाँ जी, दुर्गा मॉडल स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 8 में। और जो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का यहीं गली में है, पास यूपी का है। हाँ। तो यहाँ पर क्या काम करता है? यहाँ पे हैंडवर्क का काम करता था लड़का। कितनी उम्र थी लड़के की? लड़के की पता नहीं कितनी थी, तो 25 के आसपास होगा। तो इससे पहले आपके सिस्टर ने बताया था कि ये तंग करता था? सिस्टर ने इसके बारे नहीं बताया कि जो है घर में भाई की लड़ाई हो जाएगी, इससे भाई पता करेंगे जाके। तो अभी पुलिस आई है, क्या कार्रवाई करवा रहे हो? कार्रवाई पुलिस ले गई है उसे, अब देखो क्या करती है पुलिस कार्रवाई। उसको अरेस्ट कर लिया? हाँ जी, अरेस्ट कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना व्यू।